बिहार के दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है। मोकामा पर तो अनंत सिंह के प्रभाव के कारण आरजेडी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। वहीं गोपालगंज सीट पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पिछली बार बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। इस बार होने वाले उपचुनाव में यहां के लिए घमासान मचना तय है। इसे बैटल ऑफ गोपालगंज का नाम भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर चुनाव हुआ तो महागठबंधन की ओर से एक नहीं कई दावेदार होंगे। दरअसल मोकामा सीट पर तो सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी की उम्मीदवारी लगभग तय है। आपको बता दें कि अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर इस सीट से जीतते आ रहे थे। अब उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद उपचुनाव होना है। ऐसे में इस सीट पर आरजेडी ही उम्मीदवार उतारेगा, ऐसा तय माना जा रहा है। हालांकि असली चुनावी जंग तो गोपालगंज की सीट के लिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।